स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत रेलवे को लेकर दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जहां एक और रेलवे फेस्टिव सीजन के चलते 196 नई ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। तो आपको बताएंगे कहां कहां पर ये ट्रेनें संचालित होगी। तो वहीं दोस्तों अब अमेजन के जरिए भी आप रेलवे टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। जी हां, विस्तार से बताएंगे आपको कि अमेजन से बुकिंग करने पर आपको क्या फायदा मिलेगा। वही दोस्तों कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों की ओर से एक नई चेतावनी सामने आ रही है, जहां सर्दियों में कोरोना के बढ़ने के आसार जताए गए हैं। तो वही भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक नया अपडेट आ रहा है। साथ ही दोस्तों 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब राज्यों का स्कूल खोलने के पक्ष में क्या विचार है आपको बताने वाले हैं, और कब से स्कूल कॉलेजों को खोला जाएगा उससे पहले दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। वही दोस्तों आप स्कूल खोलने के पक्ष में है या नहीं, आपका क्या विचार है, आपके बच्चे स्कूल जाए या नहीं जाए, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वही दोस्तों बेरोजगार युवाओं को हर माह मिलेगा 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, ऐसे करना होगा आवेदन। साथ ही दोस्तों पेट्रोल और डीजल के भावों को लेकर ताजा अपडेट आ रहा है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे, इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों चीन द्वारा भारत को एक बार फिर से धमकी दी गई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों चीन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, चीन किस प्रकार का देश है, आपका विचार कमेंट में जरूर बताइए। और हमारे सैनिक भाइयों के लिए LSC पर जो तैनात है उनके लिए जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानेंगे आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, फेस्टिव सीजन में यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात, शुरू होगी 196 जोड़ी नई ट्रेनें, यहां देखिए पूरी लिस्ट। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। हालांकि ये ट्रेनें एक सीमित समय के लिए चलाई जाएगी। इन ट्रेनों में रोजाना हफ्ते में 4 बार, हफ्ते में 1 बार चलने वाली ट्रेनें भी शामिल होगी। रेलवे मंत्रालय ने जोनल रेलवे के प्रोपोजल पर सहमति जताते हुए 196 जोड़ी ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि 196 जोड़ी ट्रेन यानी 392 ट्रेनें फेस्टिव स्पेशल के नाम से चलाई जाएगी। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने मध्य अक्टूबर से नवंबर तक फेस्टिव सीजन के दौरान 200 से अधिक ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, ठंड के साथ आ सकता है कोरोना का नया पीक। यूरोप और अमेरिका में बिगड़े हालात पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेताया। जी दोस्तों ये अच्छी बात है कि भारत में कोरोना पॉजिटिविटी की दर कम हो रही है, यहाँ कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन यह भी सच है कि ठंड बढ़ने के साथ ही पश्चिमी देशों में कोरोना का प्रकोप दोबारा से पांव पसारने लगा है। नीति आयोग के सदस्य और कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर VK पॉल ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना एक रेस्पिरेटरी वायरस है। सर्दी में ठंड के कारण अक्सर बच्चों और बूढ़ों में सर्दी, जुकाम और निमोनिया की शिकायत बढ़ने लगती है। कोरोना और सर्दी में जुकाम के कारण होने वाले संक्रमण के लक्षण समान है। यही कारण है कि यूरोप के कई देशों और अमेरिका में कोरोना का नया पीक देखने को मिल रहा है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि आगे त्योहारी सीजन है, नवरात्र के साथ ईद, दिवाली, क्रिसमस और नया साल आ जाएगा। ठंड की आहट के साथ ही हर धर्म के लोगों में त्योहार आ रहे हैं, ऐसा ही मौसम कोरोना वायरस का भी प्रिय है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए EPFO ने शुरू की व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा। जैन दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने अंश धारकों की शिकायत के त्वरित समाधान के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर सेवा शुरू की है। श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि यह सुविधा EPFO के शिकायतों के समाधान के लिए अन्य मंचों के अलावा है। इन मंचों में EPFO, IGMSE पोर्टल यानी ऑनलाइन शिकायत समाधान पोर्टल, CPGRSAS, सोशल मीडिया मंच फेसबुक और ट्विटर और 24 घंटे काम करने वाले कॉल सेंटर शामिल है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा EPFO ने अपने सदस्यों के जीवन को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए व्हाट्सएप आधारित हेल्पलाइन और शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की है। निर्बाध पहल की श्रृंखला के अंतर्गत उठाए गए इस कदम का मकसद अंशधारकों को COVID-19 महामारी के दौरान निर्बाध और बिना व्यवधान के सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करना है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, 15 अक्टूबर से नहीं खुल रहे स्कूल, कतरा रही है राज्य सरकारें, जाने कब से खुलेंगे स्कूल। जिन दोस्तों कोरोना महामारी के कारण देश भर के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय 16 मार्च से ही बंद चल रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से इन्हें क्रमिक तरीके से पुनः खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन लगभग सभी राज्य इसी महीने स्कूल खोलने के मूड में नहीं दिख रहे।
पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्य तो दीपावली के बाद ही इस बारे में सोचना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 31 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है। इसके बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। वहीं कर्नाटक सरकार ने कहा कि उसे स्कूलों को पुनः खोलने की कोई हड़बड़ी नहीं है, वह सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही इस बारे में निर्णय लेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि राज्य के स्कूल महामारी के मद्देनजर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि दीपावली के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हालात का आकलन कर कोई फैसला लेंगे। गुजरात सरकार का भी ऐसा ही मत है। वहीं पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला मध्य नवंबर के बाद ही लिया जाएगा। आंध्र सरकार ने भी 2 नवंबर तक सामान्य तरीके से कक्षाएं बहाल नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे ही एक एक करके सभी राज्यों का हाल दीपावली के बाद ही स्कूल खोलने के पक्ष में है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, दीपावली से पहले स्कूल और कॉलेज खुलने चाहिए या नहीं, अपना विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना की वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा अपडेट, बताया कब तक आएगा टीका। जेंदुतु कोरोना वायरस की प्रमाणिक वैक्सीन के लिए अभी भी शोध जारी है। हालांकि रूस ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। भारत ने भी 3 वैक्सीन परीक्षण के दौर में है। इस बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी जानकारी दी है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को बताया कि भारत में अगले साल की शुरुआत में कोरोना वायरस का टीका लगने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत में हमारे पास एक से अधिक स्रोतों से देश में टीका होना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के दौरान हर्षवर्धन ने कहा कि हमारे विशेषज्ञ समूह देश में वैक्सीन के वितरण को कैसे शुरू करे, इसकी योजना बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, अब अमेजन से भी कर सकेंगे रेलवे टिकट की बुकिंग, साथ में मिलेगी कैशबैक की सुविधा। जी दोस्तों, ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आप ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के प्लेटफॉर्म पर रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। अमेजन इंडिया ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत अमेजन यूजर्स कंफर्म ट्रेन टिकट पा सकेंगे। ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा अमेजन की मोबाइल वेबसाइट और एंड्रॉइड ऐप पर उपलब्ध है। अमेजन पे से पेमेंट करने वाले ग्राहकों को ट्रेन रद्द या बुकिंग फेल होने पर तुरंत रिफंड भी मिल जाएगा। अमेजन ग्राहकों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के तहत वन क्लिक पेमेंट भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, शुरुआती ऑफर में पहली बार में ग्राहकों को उनके द्वारा की गई बुकिंग पर 100 रुपए तक का कैशबैक भी मिल सकता है। वहीं अमेजन के प्राइम मेंबर्स को 120 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा, लेकिन ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। लद्दाख और सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलों के उद्घाटन को लेकर चीन ने फिर उगला जहर, भारत को दी ये धमकी। जेंदुतो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सीमाओं के पास 44 पुलों का उद्घाटन किए जाने के बाद चीन ने फिर जहर उगला है। तीखी प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा कि भारत द्वारा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश किया जाना अवैध है और वे इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने भी सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास को दोनों पक्षों के बीच तनाव का मूल कारण कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो तनाव को बढ़ा सकती है। झाओ को भारत में उद्घाटन किए गए पुलों की सीरीज पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया था, जिसमें लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में 8-8 पुल शामिल है। भारतीय और चीनी सैनिक मई के बाद से ही पूर्वी लद्दाख में आमने सामने हैं और जून में तनाव उस समय बढ़ गया था जब चीन के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। पिछले महीने पेंगोंग तत्सो के दौरान सेनाओं के एक बार फिर हवा में शॉट दागे थे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेगा 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, ऐसे करना होगा आवेदन। जेंदुतो कोरोना महामारी विकराल संकट बनकर आई है। लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है और बेरोजगारी बढ़ गई है। ऐसे लोग अब सरकार की योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। राजस्थान समेत कई राज्यों में बेरोजगारी भत्ता योजना चल रही है, जिसके तहत लोगों को हर महीने एक निश्चित राशि आर्थिक मदद के रूप में दी जाती है। ये राशि राज्य के हिसाब से अलग अलग होती है। राजस्थान सरकार बेरोजगारों को हर महीने 3500 रुपए का भत्ता दे रही है। ऐसे में आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत युवकों को मासिक 3000 रुपए और युवतियों को 3500 रुपए दिए जाते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है। दरअसल राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्र 21 से 35 साल तक होनी चाहिए। वहीं पारिवारिक इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपको केंद्र या राज्य सरकार से किसी दूसरी योजना का फायदा मिल रहा है तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल के रेट में नहीं हुआ कोई भी बदलाव, जानिए क्या है आज के ताजा रेट।
जी दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। पेट्रोल की कीमतों में 22 दिनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है, वहीं आज 12वें दिन भी डीजल के दाम स्थिर है। दरअसल दिल्ली में पेट्रोल 81.6 रुपए और डीजल 70.76 रुपए प्रति लीटर पर टिका रहा। वाणिज्यिक नगरी मुंबई में पेट्रोल 87.74 रुपए प्रति लीटर और डीजल 76.86 रुपए प्रति लीटर पर टिका रहा। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 82.59 रुपए प्रति लीटर और डीजल 73.99 रुपए प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रहा। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 84.14 रुपए प्रति लीटर और डीजल 75.99 रुपए प्रति लीटर पर टिका रहा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।